हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूट्यूब के सबसे बड़े स्टार प्यूडीपाई के बारे में। तो कौन है ये प्यूडीपाई? प्यूडीपाई, जिनका असली नाम फेलिक्स जेलबर्ग है, एक स्वीडिश यूट्यूबर हैं जो लेट्स प्ले वीडियोस और कॉमेडी शोज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपना चैनल 2010 में शुरू किया था और उनकी एनर्जेटिक कॉमेंट्री और फनी रिएक्शन की वजह से ये बहुत जल्दी फेमस हो गया। फेलिक्स का जन्म 24 अक्टूबर 1979 को गोथेनबर्ग स्वीडन में हुआ था। उन्होंने यूट्यूब करियर के लिए यूनिवर्सिटी छोड़ दी और ये डिसीजन उनके लिए बहुत काम आया। अब प्यूडीपाई के 110 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो उन्हें प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड क्रिएटर्स में से एक बनाता है। उनका कंटेंट भी टाइम के साथ चेंज हुआ है। शुरू में वो हॉरर वीडियो गेम प्ले थ्रूज करते थे जो बहुत पॉपुलर थे, याद है एमनीजिया द डार्क डिसेंट, वो वीडियोस तो आइकॉनिक थे। धीरे धीरे उन्होंने ब्लॉग्स, सैटायर और मीम रिव्यूज भी शुरू कर दिए। उनकी सबसे फेमस सीरीज में से एक है मीम रिव्यू, जहां वो इंटरनेट मीम्स पर फनी कमेंट्री करते हैं। प्यूडीपाई अपने चैरिटी वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स और क्लीन वाटर इनिशिएटिव्स जैसे कई कामों के लिए लाखों डॉलर्स डोनेट किए हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए भी यूज करते हैं। उनके करियर का एक बहुत बड़ा मोमेंट था टी सीरीज, एक इंडियन म्यूजिक चैनल के साथ सब्सक्राइबर बैटल। ये राइवलरी इंटरनेट पर बहुत बड़ी चीज बन गई और इससे मीम्स, सॉन्ग्स और एक डिस ट्रैक भी बना। हालांकि आखिर में टी सीरीज ने उन्हें ओवरटेक कर लिया, लेकिन इससे उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। 2019 में फेलिक्स ने अपनी गर्लफ्रेंड मार्जिया बिजोनियन से शादी कर ली, जो खुद भी एक यूट्यूबर रह चुकी है। उनका रिलेशनशिप उनके फैंस को बहुत पसंद है। उनके दो प्यारे पग्स भी हैं, एडगर और माया। कुछ कंट्रोवर्सीज के बावजूद प्यूडीपाई यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर है। उनकी कैंडिडनेस, ह्यूमर और ऑडियंस के साथ कनेक्शन लोगों को उनकी तरफ खींचता है। फेलिक्स ने दिखाया है कि पैशन और मेहनत से आप अपने हॉबी को एक ग्लोबल फिनोमिनन बना सकते हैं। तो ये थी प्यूडीपाई की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे।